को सिराज मैजिक मियां के नाम से जो जाने जाते हैं, जिस तरह से परफॉर्मेंस कर रहे हैं, करीबन 100 से 150 लोग हम आज हमारे दोस्त के घर पर बैठ के जब मैच देख रहे थे, तो ऐसा मंजर हम पहली बार देखे थे। मेरा वीडियो मोहम्मद सिराज तक पहुंचा सकते तो पहुंचाइए, ये चैनल इतना बड़ा चैनल है, मिलियंस व्यूज होते हैं। मैं वसीम भाई का भी शुक्रिया अदा करता हूँ। अगर आपको ऐसी परफॉर्मेंस करिए, आने वाले वर्ल्ड कप में हमें फिर से एक बार तीसरी टाइम वर्ल्ड कप जिताना है सिराज भाई, मियां मैजिक की तरह गेंदबाजी करना है आपको। एशिया कप फाइनल मैच में मोहम्मद सिराज के धमाकेदार परफॉर्मेंस को देख गुलबर्गा शहर में मोहम्मद सिराज के बिग फैन क्रिकेटर एजाज एंड टीम ने जमकर जश्न मनाया है। मोहम्मद सिराज जो अपनी फास्ट बॉलिंग के लिए जाने जाते हैं, आज एशिया कप फाइनल मैच में अपनी गेंदबाजी से श्रीलंका के होश उड़ा दिए हैं। 16 बॉल में मोहम्मद सिराज ने श्रीलंका प्लेयर्स के 6 विकेट लेकर इतिहास के पन्नों में अपना अलग ही मुकाम बना लिया है। मोहम्मद सिराज के परफॉर्मेंस के बाद उनके फैंस की खुशी का आज ठिकाना नहीं रहा। मोहम्मद सिराज के चाहने वालों में कुछ नाम गुलबर्गा शहर के नौजवानों के भी हैं, जो आज मोहम्मद सिराज के परफॉर्मेंस पर खुशियां मनाते नजर आए हैं। गुलबर्गा हेडलाइंस के जरिए मोहम्मद सिराज के फैंस ने अपनी खुशी का इजहार कर मोहम्मद सिराज के लिए मोहब्बत जाहिर की है। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है, बड़ा मेहरबान है अल्लाह हम पर कि हमको एक अनमोल तोहफा मिला मोहम्मद सिराज के नाम से, जो हमारे हिंदुस्तान की शान है, हमारे हिंदुस्तान की जान है, हमारे हिंदुस्तान की पहचान है। जब इंडिया खेलती है तो हमें फ़ख्र होता है, जब मोहम्मद सिराज अपनी गेंदबाजी से, घातक गेंदबाजी से, जब इन स्विंग भी करते हैं और स्विंग भी करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, मैं समझता हूँ कि टॉप 3 के एक बॉलर हैं, जैसे कि मोहम्मद शमी हैं, मोहम्मद सिराज हैं, जसप्रीत बुमराह है, ये हिंदुस्तान की शान है। आज जिस तरह से मोहम्मद सिराज परफॉर्मेंस कर रहे हैं, हमको फ़ख्र है। यकीन मानिए मत मानिए, काफ़ी वेट कर रहे थे हम इस एशिया कप के फाइनल का मैच का, तो सभी हमारे जितने भी थे आज पूरे छुट्टी पे थे, करीबन 100 से 150 लोग हम आज हमारे दोस्त के घर पर बैठ के जब मैच देख रहे थे, तो ऐसा मंजर हम पहली बार देखे थे, क्योंकि श्रीलंका जो है सबसे बड़ी टीम है और होम ग्राउंड पर हराना ये बहुत बड़ी बात है हिंदुस्तान के लिए। तो हम इंडिया को भी मुबारकबाद देते हैं, हिंदुस्तान को मुबारक देते हैं, जो सिराज मैजिक मियां के नाम से जो जाने जाते हैं, जिस तरह से परफॉर्मेंस कर रहे हैं, मियां मैजिक जिंदाबाद, मियां मैजिक जिंदाबाद, मियां मैजिक जिंदाबाद, मियां मैजिक जिंदाबाद। अगर ये मेरा वीडियो मोहम्मद सिराज तक पहुंचा सकते तो पहुंचाइए, ये चैनल इतना बड़ा चैनल है, मिलियंस व्यूज होते हैं। मैं वसीम भाई का भी शुक्रिया अदा करता हूँ। अगर ये सिराज तक, मोहम्मद सिराज तक वीडियो पहुंचता है हैदराबाद में, तो मैं उनको यही कहना चाहूंगा कि हमारा सपोर्ट अब भी है, आगे भी रहेगा, और जब तक हमारी सांस है हम आपके साथ रहेंगे, आपके साथ भी रहेंगे सिराज भाई, हिंदुस्तान के साथ भी रहेंगे जब तक हमारी सांस है। और हम फिर से एक बार मुबारक देते हैं मैजिक मियां को, ऐसी परफॉर्मेंस करिए, आने वाले वर्ल्ड कप में हमें फिर से एक बार तीसरी टाइम वर्ल्ड कप जिताना है सिराज भाई, मियां मैजिक की तरह गेंदबाजी करना है आपको, पूरे हिंदुस्तान को एक होकर खेलना है। अल्हम्दुलिल्लाह, हम एनसीएम में उनकी प्रैक्टिस चल रही थी, तो वहां पर विराट कोहली, रोहित शर्मा, केएल राहुल, हार्दिक पांड्या, मोहम्मद सिराज, मोहम्मद शमी सभी प्लेयर्स थे, तो मेरे साथ जाकिर और कई लोग मेरे साथ वहां पे मौजूद थे, तो हम उनसे मुलाकात करें। तो मैं फर्स्ट टाइम मिला, एक्चुअली फर्स्ट टाइम मिला, मेरी टीम है ऑलरेडी पहले मिल चुके हैं, तो जब फर्स्ट टाइम मिला मुझे ऐसा लगा कि वो मोहम्मद सिराज में एक वो जो खूबी मेरे को नजर आई कि वो जो जोश, यकीन मानिए मत मानिए, 3 घंटे वो कंटिन्यू बॉलिंग करते रहे, 3 घंटे सिर्फ हम उनको देखते रहे, हमको दूर से देखने के बाद भी हमको इतना सीखने को मिला मोहम्मद सिराज से। तो जब हमारी सिर्फ 5 मिनट बात हुई, वो 5 मिनट हमारी बात ऐसे लगी कि हम 5 साल बात करें उनसे, तो उनको हम मुबारकबाद भी दिए और हम ऑल द बेस्ट, और जाते हुए हम यही कहा कि आपको ये एशिया कप लाना है, आपको आने वाला वर्ल्ड कप लाना है, तो वो जाते टाइम ऐसा करे कि हाँ मैं जिता के लाऊंगा और मैं 100% परफॉर्मेंस करूंगा, बस आपकी दुआ हमारे साथ रहे। जब जब एक ग्राउंड स्टाफ की जो मेहनत रहती है, यकीन मानिए मत मानिए, या ग्राउंड्स में कोई काम रहने दे, या पिच का काम रहने दे, या ग्राउंड का A to Z बाउंड्री का काम रहने दे, या लाइटिंग का काम रहने दे, या प्लेयर्स को कोई कुछ भी कर रहे हैं वो सब काम रहने दे, जब तक ग्राउंड्समैन नहीं रहते ग्राउंड पर, तो ना मैच हो सकता है, ना वो एशिया कप हो सकता है। उनकी मेहनत हमने भी देखी है, हमने भी उनकी मेहनत देखी है, हम भी उनका शुक्रिया अदा करते हैं, श्रीलंका का भी शुक्रिया अदा करते हैं, और श्रीलंका के जो ग्राउंड्समैन है उनका भी हम शुक्रिया अदा करते हैं। तो बहुत बड़ी बात है कि वो जो भी अमाउंट दिए, तो ये हमें एक सीख मिलती है कि पैसा कुछ वैल्यू नहीं है, इंसान की मोहब्बत, इंसान की मोहब्बत हर चीज में क्या मालूम आ जाती है। तो हमें बहुत फख्र है हमारे टीम इंडिया पर भी, हमें मोहम्मद सिराज पर भी, आने वाले वर्ल्ड कप में भी इंशाल्लाह हम लोग जीतेंगे। फिर से एक बार गुलबर्गा हेडलाइंस पे आऊंगा इंशाल्लाह। दिस वीडियो प्रेजेंटेड बाय अल शरे कॉलेज गुलबर्गा। एडमिशन आर ओपन फॉर लॉन्ग टर्म नीट एग्जाम फॉर रिपीटर्स बैच फ्रॉम 10th जुलाई, एक्सपेक्टिंग 20+ फ्री MBBS सीट्स, नीट रैंक एनहांसमेंट स्पेशल प्रोग्राम बेस्ड ऑन नीट मार्क्स। फॉर मोर डिटेल्स कॉन्टैक्ट अल शरे ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूट।